Hello friends, welcome to Two and Cuisine. आज हम बनाने वाले हैं अमृतसरी राजमा मसाला। यह वही राजमा मसाला है जो आप बाजार में खाया करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। यह मैंने एक गिलास राजमा लिया है। यह अमृतसरी राजमा के नाम से आपको ग्रोसरी स्टोर्स पर मिल जाएगा। यह बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत औसम आता है। अगर आपके पास अमृतसरी राजमा नहीं है तो आप दूसरा किस्म का भी ले सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगी आप अमृतसरी राजमा ही लें। मैंने राजमे को 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको हम 6-8 घंटे के लिए सोक होने के लिए रखेंगे। इसमें 2 गिलास पानी का डालेंगे और इसको 6-8 घंटे के करीब इसको सोक होने के लिए रखेंगे। सोक करने से राजमा जल्दी कुक हो जाता है और इनका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। राजमा सोक हो चुका है, अब हम इसको एक प्रेशर कुकर में पलट लेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर 5 सीटियां लगानी है। इसमें थोड़ा पानी कम है, इसमें 1 गिलास पानी और डाल देंगे। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और फिर इसको 5-6 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे। राजमे में 5 सीटी आ चुकी हैं। आइए हम इसका मसाला तैयार करते हैं। एक पैन गरम करें और उसमें 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दें। आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप कोई और तेल भी डाल सकते हैं। आप इसमें 1/4 चम्मच हींग डालें और 1 टीस्पून जीरा डाल दें। जीरा भुनने के बाद उसमें 2 बड़े बारीक कटा हुआ प्याज डालें और उसको हिलाते हुए थोड़ी देर भून लें। अब इसमें 1 टेबल स्पून कसा हुआ अदरक और 1 टेबल स्पून कसा हुआ लहसुन का डालें। 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। हरी मिर्च आप कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। हम इसमें 1/4 चम्मच नमक का डालेंगे। ऐसा करने से प्याज जल्दी भुनती है और तेल भी कम लगता है। प्याज भुन चुका है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने 4 टमाटर प्यूरी कर रखे हैं। आप टमाटर या तो प्यूरी करके डालें या फिर कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर की डाल दें। यह मैंने इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला डाला है। यह डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस मिक्सचर को अब तब तक भूनेंगे जब तक यह ऑयल ना छोड़ दे। गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमारा ये मसाला रेडी हो चुका है। आइए राजमा चेक कर लेते हैं। राजमा का मैंने प्रेशर नहीं निकाला था, प्रेशर रिलीज होने का हम वेट करेंगे। देखिए राजमा बिल्कुल पक चुके हैं। हमको ऐसे ही सॉफ्ट राजमा चाहिए। राजमे को अब मसाले में मिला दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपका राजमा ना पका हो तो आप 1-2 सीटी और लगा लें। अब इसको हम ढक कर 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। राजमा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। यह रखने से थोड़ा और गाढ़ा होगा, इसलिए हम इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखेंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला मिलाएं और 1-2 मिनट पकने के बाद गैस को ऑफ कर दें। हमारा अमृतसरी राजमा मसाला रेडी है। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और गैस को स्विच ऑफ कर दें। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। क्यों फ्रेंड्स, लग रहा है ना बिल्कुल एकदम क्रीमी क्रीमी। आइए अब हम इसके ऊपर डालने का तड़का बनाते हैं।
एक तड़का पैन लें और उसमें एक टेबल स्पून घी गरम कर लें और उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का डाल दें। इसको हिलाकर मिर्च को अच्छे से पका लें। अब इस तड़के को हम राजमे के ऊपर डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं और हमें बताएं कि आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्यून कुज़ीन।